नमस्कार। पशु, यह एक मार्गदर्शक अनुभव है। इस अनुभव में पशु एक प्रतीक समान है। पशु जो हमें भयभीत करता है। यहाँ पशु कोई हिंसक जानवर या जंगली प्राणी नहीं है। यहाँ पशु जीवन की कोई स्थिति या हमारे जीवन से जुड़े कुछ लोग या लोगों का समूह या कोई अनदेखा काल्पनिक भय भी हो सकता है। इस मार्गदर्शित अनुभव के दौरान कुछ इमेजेस और छवियां सतह पर उभर आएगी। हमें बस उनके साथ बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं मार्गदर्शित अनुभव पशु। अपने मानस पटल पर कल्पना करें कि आप स्वयं को एक घोर अंधकार में पाते हो। आपके पैरों तले जो जमीन है वह उबड़ खाबड़ और पौधों और पत्थरों से ढकी हुई है। आपको ऐसा जान पड़ता है कि आप एक ऊंची टेकरी जैसी जगह की धार पर खड़े हैं। ऐसे तमस भरे वातावरण में आपको ऐसा लग रहा है कि वह पशु जो आप में हमेशा आतंक और घृणा उत्पन्न करता है, वह बिल्कुल ही आपके नजदीक ही है। शायद एक ही पशु है या शायद बहुत सारे हैं, लेकिन कोई चीज है जो आपके पास और पास निर्ममता से बढ़ती आ रही है। इस तमस में पूरा सन्नाटा है, लेकिन आपके कानों में आवाजें गूंज रही है। आपकी आंखें पूर्णत खुली हुई है, फिर भी आपको इस तमस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपका हृदय जोरों से धड़क रहा है। आपकी सांसें तेज चल रही है। आपका गला सूख रहा है और आपके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया है। कोई चीज आपकी ओर बढ़ती जा रही है। अब आपके मन में विचार आता है कि क्या वह आपके पीछे से आ रहा है। इस विचार मात्र से आपके रोंगटे खड़े हो गए। आपके रीढ़ की हड्डी पर जैसे एक बर्फीली लहर सी दौड़ गई। आपके पैर घबराहट से ढीले होते जा रहे हैं। अगर वह चीज आप पर आक्रमण करती है या पीछे से आप पर कूदती है, तो
तो आप बिल्कुल ही निहत्ते हैं। आपके पैर जमीन पर जम गए हैं, आप हिल नहीं पा रहे। आप यदि इस वक्त कुछ कर सकते हो तो वो केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। आप हड़बड़ी में इस बहुत ही खतरनाक पशु के बारे में सोचने लगते हैं। आप उन बुरे क्षणों को याद करते हैं कि जब यह पशु आपके करीब था। आपको वह एक वक्त याद आता है जो सचमुच बहुत बुरा था। आप उस बुरे वक्त का फिर से स्मरण करते हैं। उस वक्त आपके जीवन में तब क्या क्या घटित हुआ था, आप उस समय की सभी कुंठाएं और आशंकाएं याद करते हैं। आप उस समय अपने जीवन के चौराहे पे खड़े थे। और तभी इस पशु के साथ आपके मिलने का संयोग हुआ था, जो उस समय जीवन में एक दुर्घटना समान ही था। इस समय आप में एक तीव्र इच्छा जागती है। आप खोजना चाहते हो कि यह सब कुछ कैसे एक दूसरे के साथ संबंधित है। अब आपने देखा कि अब आप अधिक शांति से विचार करने में सक्षम
हो रहे हो। आपने अब जाना कि अधिकतर सभी लोगों के जीवन में किसी न किसी पशु के कारण कोई न कोई असुविधा, असंतोष, अप्रिय प्रतिक्रिया होती ही है, लेकिन हर कोई पशु की उपस्थिति में अपना आपा खो नहीं देता, अपने आपे से हर कोई बाहर नहीं हो जाता। आप इसके बारे में विचार करते हैं, आपको इस बात का बोध हो रहा है। आपके जीवन के कठिन और बुरे समय में आप जिन स्थितियों में जी रहे थे, और यह पशु उस वक्त जितना डरावना लग रहा था, इन दोनों के बीच का संबंध आप बना रहे हैं। अब आप शांत होकर एक प्रयास करते हैं। आप अपने शरीर के उस अंग को अनुभव करना चाहते हैं, जिस अंग को आप उस डरावने खतरनाक पशु से किसी भी हाल में सुरक्षित रखना चाहते हो। आपके साथ यह दुर्घटना बहुत समय पहले घटित हुई थी। उस समय आपके शरीर के उस अंग का आपके जीवन की उन विपरीत स्थितियों का और आपके जीवन के विषम संजोग का, इन तीनों का आपस में क्या परस्पर संबंध था, उसे आप अब समझना चाहते हो।
इस पशु को देखकर आपको आपके जीवन काल का वह समय याद आता है जिसका समाधान अब तक आप नहीं कर पाए। वह तमस और कष्टदायी पलों का आप सहज कभी भी स्मरण नहीं करते, लेकिन क्या यह वही मसला या मुद्दा है जिसे आपको अब साफ साफ समझना ही होगा? आकाश में इस समय काल रात्रि का अंतिम प्रहर है। आपके सामने क्षितिज पर नई सुबह की गुलाबी रोशनी खिल रही है। जल्द ही नया सवेरा नए जीवन की रूपरेखा अपने साथ लेकर आ रहा है। आसपास हरी घास पर ओस के बिंदु है। लगता है कोई हरा गालीचा है। आप मुक्त हृदय से उस गालीचे पर चलते हैं। एक तेज गति से चलता हुआ वाहन आपकी ओर आ रहा है। वह वाहन आपके पास आकर रुकता है और उस वाहन से दो आदमी उतरते हैं जो उपचारक के कपड़ों में है। वे आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपको बताते हैं जो पशु आपको इतने समय से भयभीत कर रहा है उसे उन्होंने बंदी बना लिया है। वे स्पष्टीकरण करते हैं कि जब कभी उन्हें यह सूचना मिलती है कि कोई भयभीत हो रहा है तो वे जाकर उस पशु को पकड़ लेते हैं जो किसी को डरा रहा है। वे आगे कहते हैं कि वे लोग उस पशु को उस व्यक्ति के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं ताकि वह व्यक्ति उस पशु को अच्छी तरह से जांच सके। उन लोगों ने उस पशु को आपके सामने बंदी बनाकर खड़ा किया जिस पशु से आप भयभीत रहते हो। वह पशु इस समय निराश्रित और निसहाय है। इस मौके का आप लाभ उठाते हो। आप उस पशु के चारों ओर घूमकर कभी उससे दूर से तो कभी नज़दीक से हर कोण से देखते हो। वे दोनों आदमी उस पशु को प्रेम से सहलाते हैं और पशु भी दोस्ताना प्रतिक्रिया दर्शाता है। फिर वे दोनों आदमी आपको भी पशु को सहलाने के लिए आमंत्रित करते हैं।
आप तीव्र आशंका अनुभव करते हैं, और जैसे ही आप पशु को दुलारने का प्रयत्न करते हो, वैसे तुरंत ही आपके भीतर एक कमकमी व्याप्त हो जाती है। आप फिर से एक बार पशु को दुलारने का प्रयास करते हो और फिर से दोबारा आप थरथराहट का अनुभव करते हो, किंतु आप प्रयत्न करते ही रहते हो तब तक जब तक कि आप उस पशु को सहला नहीं लेते। पशु की प्रतिक्रिया में कोई उत्तेजना नहीं है, वह धीमी और सुस्त गति से जरा सा हिलता है, फिर वह पशु का आकार छोटा होने लगता है और फिर वह अदृश्य हो जाता है। अब वह दो आदमी और वाहन वहां से निकल जाते हैं। आप उस समूची स्थिति को मन में दोहराने की कोशिश करते हैं। बरसों पुराने उस वक्त को याद करते हैं जब इस पशु की उपस्थिति ने आपको इतना आतंकित कर दिया था। लेकिन अब इस समय अचानक ही आप उत्तेजित होकर दौड़ने लगते हैं। इस सुबह की ताजी हवा का मजा लेने लगते हैं। आप लयबद्ध गति से निरंतर दौड़ रहे हो, खुले वातावरण में गहरी सांस लेते हुए आप और अधिक तेज दौड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपका हृदय और शरीर के बीच एक अद्भुत तालमेल हो गया है, वे एक श्रेष्ठ यंत्र के जैसे काम कर रहे हैं। तभी आपको अपने भीतर का वह भय याद हो आता है, पर आपको अब लगता है कि आप अब अधिक सबल, समर्थ और सक्षम हो गए हैं और जल्द ही आप उस भय पर हमेशा के लिए काबू पा लोगे। आकाश से आपके ऊपर सूरज की किरणों की ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। आप तेज गति से अपने शहर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपके फेफड़ों में शुद्ध हवा है और आपकी मांसपेशियां एक लय में कार्य कर रही है। आपको लग रहा है कि आपके शरीर के जिन अंगों की सुरक्षा के लिए आप डरे हुए थे, वे अंग ही
अब अधिक सबल और बलवान हो चुके हैं। उन पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता।